गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हमारा इकोनॉमिक्स क्लास 11th और 12th का चैप्टर थर्ड वीडियो नंबर थर्ड है। आज का जो टॉपिक है उसमें मांग फलन और मांग फलन को जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आ जाता है इसमें कि मांग फलन किसे कहते हैं। तो मांग फलन वह फलन होता है जो किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उनके मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। मांग फलन वह फलन होता है जो किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। डी एक्स किसी वस्तु की क्या है, मांग है। एफ इसमें फलनात्मक जो संबंध व्यक्त करता है वो है पी एक्स, पी आर, वाई टी, ई एन और वाई डी। ये क्या है, डी एक्स को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। फिर सुन लेना, मांग फलन वह फलन होता है जो किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। मांग फलन दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत मांग फलन और दूसरा होता है बाजार मांग फलन। जिस प्रकार व्यक्तिगत मांग अनुसूची बाजार मांग अनुसूची होती थी, व्यक्तिगत मांग वक्र बाजार मांग वक्र होता था, उसी प्रकार व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं वो व्यक्तिगत मांग फलन के अंतर्गत आते हैं और बाजार मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं वो बाजार मांग फलन के अंतर्गत आते हैं। जिस प्रकार व्यक्तिगत मांग वक्र बाजार मांग फलन में जाता था, उसी प्रकार व्यक्तिगत मांग फलन है वो भी बाजार मांग फलन में जाएगा। व्यक्तिगत मांग फलन वह फलन होता है जो एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। व्यक्तिगत मांग फलन वह मांग फलन होता है जो एक उपभोक्ता और उसकी मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं उनके मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। बाजार मांग फलन वह मांग फलन होता है जो बाजार में किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है। बाजार मांग फलन वह फलन होता है जो बाजार में किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, उसे बाजार मांग फलन कहते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये बोर्ड एग्जाम में, मांग फलन किसे कहते हैं, मांग फलन को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए। व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन दोनों हो गए हैं। अब आता है इसमें कि मांग को निर्धारित करने वाले घटक, मांग को प्रभावित करने वाले घटक या मांग फलन को प्रभावित करने वाले घटक, ये कौन कौन से होते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले पी एक्स का मतलब होता है वस्तु की स्वयं की कीमत, जो वस्तु आप खरीद रहे हो उस वस्तु की स्वयं की कीमत। पी आर का मतलब होता है रिलेटेड जो गुड्स होती है उसकी प्राइस यानी संबंधित वस्तुओं की कीमतें। वाई का मतलब होता है उपभोक्ता की आय। टी का मतलब होता है एक जो उपभोक्ता होता है, व्यक्ति होता है, उसकी प्राथमिकता, उसकी रुचि, उसका अधिमान। ई का मतलब होता है कीमत के बढ़ने की आशंका, यानी भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ सकती है या घट सकती है, उसकी क्या प्रत्याशा है। एन का मतलब होता है एक जो नेशन होता है उसमें जनसंख्या का आकार। वाई डी का मतलब होता है आय का वितरण। इन सब का एक एक करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये जो मांग फलन है इसमें पी एक्स, पी आर, वाई टी और ई, ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जबकि यदि इन सबको शामिल कर लेंगे पी एक्स, पी आर, वाई टी, ई एन और वाई डी, तो ये हो जाएंगे मार्केट डिमांड फलन यानी फंक्शन को प्रभावित करने वाले तत्व है। एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आएगा वो अलग अलग नहीं पूछेगा, वो एक साथ ही पूछेगा कि मांग को प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं, निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें पी एक्स। पी एक्स का मतलब होता है पी एक्स वस्तु की स्वयं की कीमत। वस्तु की स्वयं की जो कीमत होती है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है, वस्तु की स्वयं की कीमत किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, कैसे करती है। अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा
बढ़ जाती है और यदि कीमत घट जाती है तो मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। दोबारा सुन लेना, अन्य बातों के समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है, कीमत घट जाती है तो उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है, और यदि कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की मांगी गई मात्रा घट जाती है। अर्थात किसी वस्तु की कीमत और उस वस्तु की मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। कैसा संबंध? ऋणात्मक संबंध। किसी वस्तु की स्वयं की कीमत और उसकी मांग मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। दूसरा है पीआर। पीआर का मतलब होता है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु किसे कहते हैं? संबंधित वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उससे संबंधित वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। यानी कीमत में परिवर्तन होगा किसी एक वस्तु यानी एक्स वस्तु में, जबकि मांग में परिवर्तन होगा वाई वस्तु में। जैसे पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में कैसे परिभाषित करोगे? संबंधित वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उससे संबंधित अन्य वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे कीमत में परिवर्तन हुआ चाय में और मांग मात्रा में परिवर्तन हुआ कॉफी में। कीमत में परिवर्तन हुआ पेट्रोल की कीमत में और मांग मात्रा में परिवर्तन हुआ कार की मांग में। ऐसी वस्तुएं होती हैं वो संबंधित वस्तुएं होती हैं। संबंधित वस्तुएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। संबंधित वस्तुएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक पूरक वस्तु होती है और दूसरी होती है स्थानापन्न वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका संयुक्त उपभोग होता है, यानी अकेली अलग अलग वस्तुओं का भोग नहीं होता है, उन दोनों वस्तुओं का एक साथ प्रयोग होता है। जैसे कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल, यानी जब कार आपके पास है पेट्रोल नहीं है तो उसका कोई प्रयोग नहीं है, पेट्रोल आपके पास है कार आपके पास नहीं है तो उसका कोई प्रयोग नहीं है। तो संबंधित वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका संयुक्त उपभोग होता है, ठीक है। ऐसी वस्तुएं संबंधित वस्तु पूरक वस्तु कहलाती है। जैसे पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप कार की मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, या फिर पेट्रोल की कीमत कम होने पर कार की मांग बढ़ जाती है। तो ये संयुक्त उपभोग वाली वस्तुएं होती हैं, ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। इसके अलावा और पूरक वस्तु के जो उदाहरण है, पूरक वस्तु जैसे कार और पेट्रोल है, पेन और स्याही है, शक्कर की कीमत और चाय की मांग है, जूते और जुराब है, ऐसी वस्तुएं होती हैं। ये कैसी वस्तु कहलाती है? पूरक वस्तु। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि कोई दो पूरक वस्तु के उदाहरण दीजिए। दो नंबर का क्वेश्चन है, दो पूरक वस्तु का उदाहरण दीजिए। पूरक वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। पूरक वस्तुओं की स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है। दूसरी वस्तुएं होती हैं स्थानापन्न वस्तुएं, इनको प्रतिस्थापन वस्तुएं भी कहते हैं। स्थानापन्न या प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन वस्तुओं को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। जैसे चाय और कॉफी, शक्कर और चीनी, ऐसी वस्तुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं। जैसे चाय की कीमत बढ़ जाती है तो आप क्या करते हो? कॉफ़ी का प्रयोग बढ़ा देते हो, ठीक है। या चाय की कीमत कम हो जाती है तो कॉफ़ी के स्थान पर चाय का प्रयोग करना चालू कर देते हो। यानी जो वस्तु तुलनात्मक रूप से सस्ती हो जाती है उसकी मांग क्या कर देते हो? आप बढ़ा देते हो। आपको वैसे ही मालूम है कि मांग के नियम के अनुसार कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग क्या होती है? बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो यदि चाय या कॉफ़ी चाय की तुलना में तुलनात्मक रूप से सस्ती हो जाती है, जैसे चाय 200 रुपये किलो है और कॉफ़ी 150 रुपये किलो जाती है, तो आप किसकी मांग बढ़ाओगे? कॉफ़ी की मांग बढ़ा दोगे। तो ऐसी वस्तुएं होती हैं वो प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं, और प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में जो मांग वक्र होता है वो धनात्मक ढाल का होता है। प्रतिस्थापन वस्तु की स्थिति में मांग वक्र कैसा होता है? धनात्मक ढाल का होता है। तीसरा इसका जो पॉइंट है वो है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय भी वस्तु की मांग को निर्धारित करती है, वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा भी बढ़ती है, और जब उपभोक्ता की आय घट जाती है तो उसके द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा भी घट जाती है। अब उपभोक्ता की आय के आधार पर वस्तुओं को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। उपभोक्ता की आय के आधार पर वस्तुओं को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक होती है सामान्य वस्तु। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग भी बढ़ती है। दूसरी होती है विलासिता की वस्तुएं,
विलासिता की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने के फलस्वरूप उनकी मांग मात्रा में आय की तुलना में अधिक परिवर्तन होता है। ठीक है, एक होती है निम्न या घटिया वस्तुएं। निम्न या घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ साथ, हो सकता है एक सीमा तक तो उनकी मांग बढ़े लेकिन एक निश्चित सीमा के पश्चात उनकी मांग घटना प्रारंभ हो जाती है। या डायरेक्ट इसको इसी प्रकार से आप परिभाषित कर सकते हो कि निम्न या घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने के साथ उसकी मांग में क्या होती है, कमी होती है। ऐसी वस्तुएं घटिया या निम्न कोटि की वस्तुएं कहलाती है। जैसे मोटा अनाज है, डालडा घी है। इसके बाद में आ जाता है रुचि या अधिमान या प्राथमिकता। एक व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करता है लेकिन उन वस्तुओं में किसकी रुचि ज़्यादा रखता है, किसको वो प्राथमिकता देता है या किसके प्रति वो अपने अधिमान व्यक्त करता है कि मैं, पांच वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं में से किसको वो प्राथमिकता देता है। जैसे आप अनादिमान वक्र में पढ़ के आए हो कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपना अधिमान या बंडलों को पसंद करता है, यानी कम वस्तु की तुलना में एक व्यक्ति हमेशा ही क्या करता है, अधिक वस्तुओं को पसंद करता है। एक प्लेट में आपको एक समोसा दे देते हैं, दूसरी प्लेट में आपको दो समोसे दे देते हैं, तो आप कौन से को पसंद करते हो, दो समोसे, क्योंकि उसमें एक वस्तु की तुलना में दूसरी में क्या है, वस्तु अधिक होती है। तो आपके अधिमान, आपकी प्राथमिकताएं, आपकी जो रुचि होती है वो भी क्या करती है, वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। ठीक है, बाजार में कोई नई सी ड्रेस आती है लड़कियों की, तो लड़कियां क्या करती है, चाहे उसकी क्वालिटी एकदम खराब हो लेकिन फैशन का दौर है तो उसकी क्या कर देते हैं, वो डिमांड बढ़ा देते हैं, होती है कि नहीं होती। क्लास में एक लड़की कुछ अच्छी चीज़ ले आती है चाहे वो काम की नहीं हो, लेकिन दूसरी मेरे को भी ये ला देना, तीसरी बोलती है मेरे को भी ऐसी वाली ला देना, होता है कि नहीं होता, होता है। तो व्यक्ति की रुचि, फैशन, प्राथमिकताएं, अधिमान होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। कोई एक लड़का या लड़की कोई अच्छा पेन ले आते हैं, ये पेन कितने का रही, 10 रुपये का, यार पेन तो अच्छा है मेरे को भी ऐसे लेकर देना, मारी तरफ उधर तरफ नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, क्यों, ऐसा क्यों कि आपने, आपकी रुचि है उसके प्रति, है कि नहीं है, आपका अधिमान है उसके प्रति, इसलिए उसकी मांग क्या हुई है, बड़ी है। आपकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कीमत में परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन किस में हुआ, आपकी रुचि में, आप परिवर्तन किस में हुआ, रुचि में, जिसके कारण किस में परिवर्तन हुआ, वस्तु की मांग में। तो एक व्यक्ति की रुचि, उसका अधिमान, उसकी प्राथमिकता या वर्तमान फैशन का जो दौर है, इस दौर में ये सारे तत्व क्या करते हैं, वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं कीमत बढ़ने की प्रत्याशा, यानी भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने की प्रत्याशा। आपको लगता है कि किसी वस्तु की कीमत 2 महीने बाद बढ़ जाएगी, तो आप क्या करते हो, वर्तमान में ही उस वस्तु को अधिक खरीद लेते हो। ठीक है, आपको लगता है कि 2 महीने बाद में किसी वस्तु की कीमत कम हो जाएगी, तो आप क्या करते हो, वर्तमान में उस वस्तु के प्रयोग को स्थगित कर देते हो कि 2 महीने बाद में खरीद लेंगे। जैसे आलू और प्याज वाला उदाहरण ले लो, इसमें क्या है, आपको लगता है कि 2 महीने बाद में प्याज की कीमत 50 रुपये से बढ़कर 200 रुपये किलो हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, वर्तमान में 50 रुपये कीमत पर ही उसकी मांग अधिक कर दोगे। या आपको लगता है कि आज 50 रुपये किलो है, 2 महीने बाद में 10 रुपये किलो हो जाएगी, तो आप क्या कर देते हो, वर्तमान में कम खरीदते हो, भविष्य के लिए उसको स्थिति कर देते हो। अगला था देश में जनसंख्या का आकार। यदि एक देश में जनसंख्या का आकार कम है, यदि एक देश में जनसंख्या का आकार कम है या जनसंख्या कम है, तो उस देश में वस्तुओं की मांग भी क्या होगी, कमी होगी। और यदि जनसंख्या अधिक है, आकार अधिक है, तो उस देश में वस्तुओं की मांग भी क्या होगी, अधिक होगी। लास्ट इसका जो प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो है आय का वितरण। एक देश में यदि आय का वितरण समान है, एक देश में यदि आय का वितरण समान है, तो वस्तुओं की मांग क्या होगी, अधिक होगी। और यदि एक देश में आय का वितरण असमान है, तो वस्तुओं की मांग भी कम होगी। क्योंकि यदि आय का वितरण समान है तो सभी व्यक्ति क्या करेंगे, वस्तुओं की मांग करेंगे। और यदि आय का वितरण असमान है, असमान का मतलब होता है कुछ व्यक्तियों के पास अधिक आय आती है, कुछ व्यक्तियों के पास कम आय आती है, तो अधिक आय आती है वो तो वस्तुएं खरीद लेंगे, लेकिन कम आय वाले कुछ वस्तुओं को नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए आय का वितरण असमान है तो वस्तुओं की मांग क्या होगी, कम होगी। और यदि आय का वितरण समान है तो वस्तुओं की मांग क्या होगी, अधिक होगी। तो आय का वितरण भी वस्तु की मांग को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो आज का जो ये वीडियो था, इसमें मांग फलन किसे कहते हैं, किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के मध्य जो फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं, मांग फलन। 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। मांग फलन को निर्धारित करने वाले तत्व है, मांग फलन को प्रभावित करने वाले तत्व है, मांग को निर्धारित करने वाले तत्व है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है, सारे एक ही हैं। और ये कितने तत्व हैं, 7 तत्व हैं। कौन कौन से हैं, वस्तु की कीमत,
संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि अधिमान प्राथमिकताएं, कीमत बढ़ने की प्रत्याशा या आशंका, और देश में जनसंख्या का आकार और देश में आय का वितरण, ये प्रमुख तत्व थे किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले। वो आपकी मांग को प्रभावित करेंगे, संपूर्ण देश की मांग को भी प्रभावित करेंगे। यदि सभी की मांग को प्रभावित कर रहे हैं तो ऐसे तत्व किस में आएंगे? बाजार मांग फलन में। और केवल एक व्यक्ति की मांग को प्रभावित कर रहे हैं तो वह आएंगे व्यक्तिगत मांग फलन के अंतर्गत। ठीक है, इसमें तीन चार प्रकार की वस्तुओं का जिक्र किया है, पूरक वस्तु, प्रतिस्थापन वस्तु, सामान्य वस्तु, विलासिता की वस्तु और निम्न कोटि की वस्तुएं। इन सभी वस्तुओं की परिभाषा, इनका ढाल और आय से इसका किस प्रकार संबंध होता है, ये अच्छी तरह से याद कर लेना। उदाहरण सहित हो सकता है इनमें से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये जो पांच वस्तुएं हैं कौन कौन सी? पूरक वस्तु, स्थानापन वस्तु, सामान्य वस्तु, विलासिता की वस्तुएं, निम्न या घटिया वस्तुएं। इन वस्तुओं में से पांच में से एक वस्तु के बारे में आपको 100% बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, चाहे तो आपको परिभाषा पूछ ले, चाहे आपको उदाहरण पूछ ले। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका संयुक्त उपभोग होता है। पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका संयुक्त उपभोग होता है, जैसे कार और पेट्रोल। और पूरक वस्तु की स्थिति में मांग वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है। प्रतिस्थापन वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जैसे चाय और कॉफी। सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग बढ़ती है और आय घटने पर मांग घटती है। यानी आय के साथ कैसा संबंध होता है सामान्य वस्तुओं का? धनात्मक। आय बढ़ी तो मांग भी बढ़ी, आय घटी तो मांग भी घटी। इसके बाद में कौन सी है? विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने के फलस्वरूप उनकी मांग मात्रा में आय की तुलना में अधिक परिवर्तन होता है। ठीक है, और निम्न या घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांग कम होती है। अर्थात निम्न या घटिया वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता की आय के साथ ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, क्योंकि आय बढ़ती है तो मांग क्या होती है? कम होती है। और आय घटती है तो मांग क्या होती है? बढ़ती है। जैसे मोटा अनाज। ठीक है, जैसे आपकी आय बढ़ती है आप बाजरे के स्थान पर गेहूं क्या क्या कर लेते हो? प्रतिस्थापित कर लेते हो। लेकिन जैसे आपकी आय कम होती है आप गेहूं के स्थान पर वापस बाजरे को प्रतिस्थापित कर लेते हो। तो आज का जो वीडियो था उसमें केवल और केवल मांग फलन है।